हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिमूव करना है, वो भी ऑनलाइन टोटली फ्री में। इसके लिए ना तो कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ना ही कोई आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है। मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, वो भी टोटली फ्री में, चाहे आप मोबाइल से कीजिए या फिर कंप्यूटर से कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको मोबाइल से वीडियो के बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक बार देखिए। इसको मैंने आज ही शूट किया था। इसका जो बैकग्राउंड नॉइस है बहुत ही ज्यादा है, तो आप देख सकते हो इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही हाई है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको रिमूव करके दिखाऊंगा ऑनलाइन, वो भी मोबाइल से। किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड नॉइस को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपली उस लिंक को क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड नॉइस फ्रॉम वीडियो। किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे चूज वीडियो में क्लिक करना है। चूज वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करना है। अपलोड फाइल में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद आपका वीडियो कहाँ पे है आपको सिंपली उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरा जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कितना बड़ा है, आपका वीडियो का साइज क्या है और आपका इंटरनल स्पीड कितना है, उस हिसाब से ये टाइम लगेगा कि आपका वीडियो अपलोड होने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट करके। आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो वीडियो है यहाँ पे शो हो जाता है। आप चाहो तो आपका जो वीडियो है उसको प्ले करके भी देख सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अपना वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला एक ऑप्शन है, आपको सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट वीडियो करके, आपको सिंपली एक्सपोर्ट वीडियो में क्लिक करना है। एक्सपोर्ट वीडियो में क्लिक करने के बाद देखिए ये वीडियो है रेंडर हो रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, एडिट वीडियो, डाउनलोड और शेयर। अगर आपको वीडियो में कुछ एडिट करना है तो आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली डाउनलोड में क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो को किसी के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ पर सिंपली शेयर में क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक लिंक जनरेट होगा, सिंपली आप उस लिंक को कॉपी कर सकते हो। इन माय केस, ना ही मुझे एडिट करना है और ना ही मुझे शेयर करना है, मुझे सिंपली डाउनलोड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करूंगा। तो मैंने सिंपली डाउनलोड में क्लिक कर दिया है और जो मेरा जो वीडियो है वो देखिए यहाँ पे आ चुका है डाउनलोड करके। आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर देना है और ये जो वीडियो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पे ओपन में क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो वीडियो प्ले हो रहा है। इस तरह से आप मोबाइल से किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। तो अभी हमने जाना मोबाइल से किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिमूव करना है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि पीसी या कंप्यूटर में कैसे आप किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करेंगे। दोस्तों, आपने जान लिया है कि मोबाइल से किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिमूव करना है। तो अगर आपको पीसी या कंप्यूटर से किसी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करना है तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। सेम वेबसाइट है, आपको बस वो मोबाइल से ओपन हुआ और यह हम कंप्यूटर पीसी से कर रहे हैं, बाकी वेबसाइट सेम है। आप चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो या कंप्यूटर से भी कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से ही करना, क्योंकि मैंने देखा है कि जो कंप्यूटर से करने का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर है इनकेस इंस्टेंट ऑफ मोबाइल। क्योंकि मैंने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से वीडियो के बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करके देखा और उसका जो एंड रिजल्ट है वो मुझे कंप्यूटर वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देखिए चूज वीडियो में क्लिक करना है। तो मैं सिंपली चूज वीडियो में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करता हूँ और वो फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हुआ नॉइस करके, तो मैं सिंपली इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। उसी वीडियो को मैंने लिया है जिस वीडियो को मैंने आपको मोबाइल से करके दिखाया था, सेम वीडियो को मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से भी ले रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे ओपन में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए ये फाइल जो है हमारा अपलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से इसको प्ले भी करके देख सकते हो। देखिए ये फाइल प्ले हो रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो में क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो है वो रेंडर हो रहा है। तो देखिए हमारा 70-80-90 रेंडर हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो जो रेंडर हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी आपको बस डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए डाउनलोड MP4 में आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा वीडियो जो है वो डाउनलोड हो चुका है।
तो आप देख सकते हो ये है वो वीडियो, हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अभी आपको सिंपली इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली शो इन फोल्डर, और ये है वो वीडियो जो अभी हमने डाउनलोड किया। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट से किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज़ को आप रिमूव कर सकते हो। चाहे आप मोबाइल यूज़ कीजिए या फिर कंप्यूटर यूज़ कीजिए, आप दोनों डिवाइस से आप किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन, वो भी टोटली फ्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।